हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन इनफाइनाइट लाइन चार्ज और पॉइंट डाइपोल के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखिए, अपने को एक इनफाइनाइट वायर दिया हुआ है जो जेड इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से जेड इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है। वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर एक पॉइंट डाइपोल रखा हुआ है। ये पॉइंट डाइपोल रेडियल डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। अपने को पॉइंट डाइपोल और इनफाइनाइट वायर के बीच फोर्स निकालना है, तो चलिए अपन फोर्स कैलकुलेट करते हैं। अब अपन जेड एक्सिस के अलोंग देखते हुए इस डायग्राम को रीड्रॉ कर लेते हैं। जब अपन जेड एक्सिस के अलोंग यहाँ से इस डायग्राम को देखेंगे तो अपने को इस तरह का सेटअप दिखाई देगा। वायर, इनफाइनाइट वायर तो अपने को पॉइंट की तरह दिखाई देगा क्योंकि ये जेड एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है, और डाइपोल ओरिजिन से आर डिस्टेंस पर रेडियल डायरेक्शन में ओरिएंटेड दिखाई देगा। अब अपन इस नए डायग्राम में डाइपोल की पोजीशन को आर कोमा थीटा से डिनोट कर देते हैं, जहाँ पे आर तो डाइपोल की ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगी और थीटा एक्स एक्सिस के साथ उसकी एंगुलर पोजिशन हो जाएगी। अपने को ये पता है वेरिएबल फील्ड में डाइपोल पर फोर्स का एक्सप्रेशन ये होता है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर डॉट डेल ऑपरेटर इनटू ई वेक्टर। पहले अपन डाइपोल मोमेंट को पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिख लेते हैं। तो पी वेक्टर ये हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड तो है पी, और ये रेडियल डायरेक्शन में ओरिएंटेड है तो डायरेक्शन आर कैप से अपन डिनोट कर देते हैं। डेल ऑपरेटर की वैल्यू पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये होगी डेल अपॉन डेल आर आर कैप प्लस वन अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा थीटा कैप। अब पी वेक्टर का डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट ये आ जाएगा, पी वेक्टर डॉट डेल ऑपरेटर इज इक्वल टू पी डेल अपॉन डेल आर। और फोर्स का एक्सप्रेशन अपन ये लिख सकते हैं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू पी डेल ई वेक्टर अपॉन डेल आर। वायर से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये होता है, इसका मैग्नीट्यूड तो होगा लेमडा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इसकी डायरेक्शन रेडियल रहेगी तो डायरेक्शन को मैं आर कैप से डिनोट कर देता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो जाएगा। अब ई वेक्टर की वैल्यू अपन फोर्स के एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं, तो डायपोल के ऊपर फोर्स ये आ जाएगा पी डेल अपॉन डेल आर लेमडा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर आर कैप। कांस्टेंट टर्म्स को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो अपने पास ये आ जाएगा पी लेमडा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी आर ऑफ वन अपॉन आर आर कैप। वन अपॉन आर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर, यानी डी बाई डी आर ऑफ वन अपॉन आर, ये बराबर होगा माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर के। तो फोर्स का एक्सप्रेशन अपन ये लिख सकते हैं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस पी लेमडा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप। अपन ये देख रहे हैं फोर्स माइनस आर कैप की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, यानी इस पार्टिकुलर ओरिएंटेशन में इनफाइनाइट वायर डाइपोल को अपनी ओर पुल करेगा, उसके ऊपर एट्रैक्टिव फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो ये अपना आंसर होगा।